अपने जीने का सहारा चाहते हो और पहाड़ी मंगल के साथ में लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुम्हें मालूम होना चाहिए अपने साथ रहना चाहता है। सरदार जी मुझे अपना साथी बना लो, हम भी तुम लोगों की तरीके से खोखा डाकू बन करके अपने पिता की मौत का बदला चुकाना चाहते हैं। ये बात है तो बेच डालो या भाई मेरे साथ में तुम चलो, ये अभी चूड़िया तुमका ऐसा निशाना सिखाऊंगा मैं नाम से कपड़े तो साथ मंजूर सरदार है तो संचालक सब तुझको करना पड़े हर गरीबों का बनना को तो जमाने को जिस जमाने में दम कहा जमाना होगा हमसे जमाने से। अरे वो साले बच्चे कहा जाएंगे हम लोगों के जाल से, वो बच्चे कहा जाएंगे हम लोगों के जाल से, अब उन्हें खींच लो वहां तो जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं, जाम का जाम होगा पानी का होगा जाम नहीं। इस पर नागेश की पहनी की जो दे पहाड़ी मेरा पहाड़ी रक्त धारा से करूंगा अग्नि को प्रचंड, रक्त धारा से करूंगा अग्नि को प्रचंड, मैं खट खट कर दूंगा पाखंडियों का। सरदार जी आपने मुझे इस कबीले का सरदार बना है तो इस मंगल का नारा यही रहेगा, मारा जाता देखा शंकर और भोला किसान को अपना बेटे का हाथ हम मरवा करके हमने अपनी बेइज्जती का बदला चुका दिया। और अगर अगर किसी ने भी सुंदर नगर गांव के आगे सुंदर नगर के लोगों ने अगर सर उठा करके बात करने की जरूरत की तो सोच के लिए भी होगा सजा, सजाए मौत होगी।
किया साहब क्या और कर रहा तुझसे साचा। समझा सब भूखी बेटी रेखा जिससे वो अधिक प्यार करता है, जिसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। नागे सिंह राणा हाँ इस वक्त जाओ शंभू की बेटी रेखा का अपहरण कर लो। जिस समय उसे ये खबर मालूम होगी कि रेखा का अपहरण करने वाला नागे सिंह राणा है, उसी हमेरी में साले से चुन चुन के बदला लिया जाएगा। वाह ईश्वर क्या दिमाग है तुम्हारा, दिमाग के आगे कंप्यूटर साला बेकार है। तुम फिकर मत करो वो साला कहां से बचेगा नागेश सिंह राणा के हाथ से। उसकी जिंदगी में वो नर्क भर दूंगा कि वो साला निकलने के बाहर भी मौत मांगेगा मौत। ठीक है मैं मास्टर दया शंकर के मकान पर जाकर के उसकी वो क्या बताया भलवा की लौटिया उसको उठा करके लाता हूँ। मास्टर साहब के मकान पे ही रहती है हाँ। क्योंकि उसकी झोपड़ी में कोई नहीं रह गया, उस बुढ़िया के साथ वो लौंडिया भी रहती है। चलो ठीक है जा रहा हूँ। ठीक है पापा जय शंकर। जमींदार साहब नागेश सिंह राणा उस बुलबुल को खाने गए, इससे पहले चलो थोड़ी थोड़ी पी करके मूड बना लिया तो फिर बढ़ा पाएगा। मंगल तैयार हो गया कि नहीं? अपना साथी मंगल सिंह को सामने से आ रहा है। दूंगा उस जमाने को, बेचता दूंगा उस जमाने को जिस जमाने में जमाना होगा हमसे जमाने से पहले पानी से गंदे नाले में बहा दूंगा, पहले पानी से गंदे नाले में बहा दूंगा। सरदार जी आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। सरदार जी हमारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, आज हमने अपने जिस्म पे काला लिबास धारण किया है, तो पहला कदम उठाने से पहले हम अपने घर जाना चाहते हैं, अपने मास्टर से बात लेने जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी माँ हमारा इंतजार करती होगी कि हमारा बेटा मंगल जेल की सलाख मोटी मोटी सलाखों के पीछे। आज जब मैं अपने घर जाऊंगा हमारी माँ मुझे देखेगी, वो भी मेरे ऊपर खुश हो जाएगी और उसके उसको शांति भी मिल जाएगी।
आज मुझे आशीर्वाद दो सरदार जी, आज हम अपने माँ से मिलने के लिए। ये बात है मंगल सिंह, तो तुम अपने माँ से मिलने जा रहे हो और आशीर्वाद लेकर के तुम्हें अड्डे के ऊपर बहुत जल्द ही जल्द वापस आ। सरदार जी मंगल नाम है मेरा, जमाना कांप जाता। मंगल नाम है मेरा, जमाना कांप जाता है। ऐसे फटकार कर चलता हूं जैसे जहरीला। साथियों, जब तक मंगल सिंह घर से वापस नहीं आएगा तब तक डकैती का प्लान कहीं नहीं सोचा जाएगा। और जब मंगल आएगा फिर किसी की बनिया हो सेठ को। और जरा देर ठहरो अभी आती है मैया, जरा देर ठहरो अभी आती है मैया, और बहुत गुस्से में तू आए हो भैया। कहा बतायो भैया? हाँ भैया, ऐसी कौन सी बात होगी जो आप बहुत कहा। हाँ भैया, आप राधा तुम सही कहती हो, आया तो गुस्से में था लेकिन तुम्हें देख करके सारा गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आग लग गई। आग वो साले मास्टर दया शंकर के लौंडे ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया। नरक राधा, तुम्हारे भी दिल के अंदर तमन्ना थी कि तुम एक दिन दुल्हन बन करके अपनी ससुराल जाओगी, रंग रलिया मनाओगी, लेकिन तुम्हारे अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन फिकर मत करो राधा, फिकर मत करो, तुम्हारे दिल की कली को हरी करेगा ये ठाकुर नागेश सिंह। अरे नहीं राधा, अगर उसने तुम्हें ठुकरा दिया है तो क्या हुआ, हम तो भी है, हम तुम्हें दुल्हनिया बनाएंगे मेरी जान, आकर के हमारे सीने से। हाय हाय मेरी गदगदवा, बिल्कुल गद्दा तना गदगदा रही हो। ए मेरी जान राधा, ये माना मेरी जान,
मोहब्बत सजा है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये माना मेरी जा मोहब्बत सजा है, मजा इसमें शाली मेरा शाली।
पाजी तू और इस लड़की का छोरी कमीने पाजी तू और इस लड़की का हाथ और हरकत तेरी देख के गर्व हो रहा। अभी तुम जिंदा हो? जिंदा कर वो मौत का तांडव देख करके तुझे मौत नहीं आई क्या? अभी तक जिंदा है तू? वह शादी के दिन जो लाशें गिरी थी उनको देख करके तुझे मौत नहीं आई क्या? जिस दिन शादी करे कत्ल करे जिस दिन कातिल मिल गए वही दिन उनका खून पी ली। तो कातिल को जानना चाहती है कि तेरे मास्टरवा का खून करने वाला कौन है? अरे तेरे मास्टर दया शंकर का मर्डर करने वाला ये तेरा बाप ठाकुर नागेश राणा है। तूने मेरे पति का मैंने तेरे पति को मारा था और इसके बाप भोलुआ को भी मौत की नींद हमने भी सुलाया है। हमने रामजादे मेरे बेटे को तूने कत्ल के हमने कत्ल के इल्जाम में फंसाया। मैं तेरा खून भी है। आजाद रहा तो सर एक दिन पुलिस की नाक में दम कर देगा और इलाके में खून की दरिया बहा देगा। और तुम्हारे लिए आदेश है कि बहुत जल्दी के साथ में जाकर मंगल और उसके साथियों को गिरफ्तार करो। सिंह राणा पहले हमारे माता पिता को नहीं मिटा है पास के लोग सोते हुए शेर का जगह है। तूने हमारी दुनिया में आग लगा दिया
में पैदा करने वाले उस माँ बाप की मारो, जा तुझे एक बूंद पानी नसीब नहीं होगा। अगर पानी तेरे पास होगा तो पानी देने वाला कोई मुनासिब नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूं चंबल खाड़ी को, अपने सरदार से मिलूंगा और सारी हकीकत बताऊंगा। सारी हकीकत बता देने के बाद अगर सुंदर नगर गांव में तुझे दौड़ा दौड़ा के न मारो तो हम अपने असल बाप की औलाद। साथियों, साधा जी मंगल सिंह अपने माँ से मिलने गया था और अभी तक नहीं, और अभी तक वापस अड्डे को बंद नहीं आया। थोड़ा और मंगल, तुम तो अपने माँ से मिलने के लिए गए थे और फिर आज रोते हुए अड्डे पे नजर क्यों आ रहे हो? दादा ठाकुर, आज हमारी दुनिया वीरान हो गई। तारी धुनी हमारे पिताजी को हमारे नजरों के सामने मार दिया था और हम आपसे मिल करके अपने माँ को मिलने के लिए मेरे गांव गया। हमारी माँ तो मिली लेकिन सरदार जी हमारी माँ ऐसी हालत में मिली। कैसी हालत में तुम्हारी माँ मिली? नहीं सकता सरदार जी, वही सुंदर नगर गांव का रंजीत सिंह राणा का बेटा था नागेश सिंह राणा ने हमारी माँ को गोली से मार दिया। कहा मंगल सिंह जिसके साथ में हमारा रिश्ता हो रहा था उस राधा को उठा ले गए। आज का कहीं पता नहीं लग रहा है सरदार जी, हम कैसे गोलियों का निशाना बना दो इससे कार्य।